और वहीं देश में दोबारा कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना से बचाव के दो ही रास्ते हैं उन्होंने बताया है, और ये उन्होंने बात कही मीडिया से बात करते हुए। अनिल विज ने कड़े शब्दों में कहा कि फिलहाल लॉकडाउन या फिर सख्ती ही ऐसे रास्ते हैं जिनसे कोरोना पर लगाम कसी जा सकती है, और फिलहाल वो लॉकडाउन के नहीं बल्कि सख्ती के मूड में है। ऐसे में विज ने हरियाणा के सभी एसपी को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं विज हरियाणा में बिना मास्क का चालान 2000 करने के भी पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि 500 रुपए का चालान ही काफी है। मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, सभी एसपीज को मैंने अभी वायरलेस मैसेज किया कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से लागू करवाएं सारे हरियाणा में, यानी सोशल डिस्टेंसिंग करवाएं, मास्क लगवाएं, जगह जगह पर नाके लगाएं, और जो मास्क नहीं डालता है उनका जो 500 रुपये का हमने चालान रखा हुआ है उनका चालान करें, क्योंकि दो ही रास्ते बचे हैं। एक है लॉकडाउन, कि हम लॉकडाउन करें, और दूसरा है हम सख्ती करें। मैं दूसरे रास्ते का पक्षधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सख्ती की जाए, मैं इस मूड में हूँ कि सख्ती की जाए ताकि लोग कोरोना से बच सकें, और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक लोगों को इसके नियमों का पालन। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।